कि महिला मोर्चा को सुबह फोन आया, जिसकी मैं सुना दूंगी आप लोगों को रिकॉर्डिंग एक लाइन में कि आप आ जाना। हम लोग लेकिन गए, क्योंकि हम लोगों के लिए, महिला मोर्चा के लिए, जो दमोह जिले में पूरे लोग देख रहे हैं, 2 से 2.5 साल हो गया, आज हमारी पूरी महिला मोर्चा की टीम घर परिवार बच्चे सबको बाद में रखकर पार्टी का काम सर्वोपरि करती है। हम लोगों की यही बस महत्वाकांक्षा हमेशा रहती है कि हमारी पार्टी आगे रहे। हम लोगों ने संगठन सर्वोपरि रख के काम किया है 2 साल से, और आज वो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भरत यादव, आज जब मैं वहां पर गई तो ये चुनाव आती जो नए नए लोग आने लगते हैं या तो उनके लिए महत्व दिया जाता है, और ये क्या बोलते हैं, ये पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि हम महिलाओं को 33% का आरक्षण दे रहे हैं, हम महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं। मैं आज खुल के बोलती हूँ दमोह महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कि दमोह में महिला मोर्चा के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। 2 साल से मैं सह रही हूँ, बहुत सारी बातों को मैंने अनदेखा किया। मैं कईयों के नाम उजागर करूंगी अब, और वो भी प्रिंट मीडिया में करूंगी, जिन लोगों ने मेरे साथ जैसी हरकतें करी हैं। और दूसरी चीज मैं आज आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ और मेरी टीम के साथ हुआ, हम कार्यक्रम में गए और जाकर हम वहां पर बैठे, और वहां पर आप लोगों को सोच कर आएगी कि हमारी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भरत यादव, हमारी महिला मोर्चा में कोई नई महिला आती है, सर्वप्रथम सेटिंग उसकी बन जाती है, हम लोगों से ज्यादा महिलाओं से कनेक्शन उसके बन जाते हैं। आज वो दमोह जिले में कोई प्रवासी आई, दमोह विधानसभा की प्रवासी, उसको युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आपके मंच पे स्थान दिया। दमोह महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष जो आज 2 साल से काम कर रही है, और पूरी ईमानदारी से एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा घर का पैसा लगा है 1-1 रुपए, मेरा पार्टी में कोई वो नहीं है कि मुझे मेरी पार्टी से कोई पैसा मिलता है। मैंने आज अपने घर का पैसा लगाया, समय लगाया, पूरा संगठन को समय दिया। चुनाव आते ही महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष का अपमान चालू हो गया। सही कहते थे दमोह के लोग कि मैं जैन हूं तो मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, मेरा नेतृत्व तो यही काट दिया जाएगा। और पुरुषों को यहाँ पे, मैं पुरुषों के भी नाम उजागर करूंगी, कईयों को ये लगता है ना कि मैं काम कर रही हूँ तो क्या करते हैं, बदनामी शुरू कर देते हैं तरह तरह की। और आज सिर्फ अपनी योग्यता और चुनाव के समय आने पर पता चला कि मैं जैन होने का जुर्म भोग रही हूँ, क्योंकि मैं जैन हूँ ना तो मेरी जड़ें यही काट दी जाएंगी, मेरा नेतृत्व तो जोर नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसा अपमान देना होता है हमेशा। और आज तो हद हो गई, ये चुनाव क्या आया है, वहां पे चुनाव में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग मंच पे आके बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, फलाना फलाना फलाना, ये बैठे हैं वो बैठे हैं, उनको महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नहीं दिख रही। हमने 2.5 साल से अपनी जान लगा दी दमोह महिला मोर्चा में, वीरान पड़ा था ये कार्यालय, आज मैंने पूरा नया संगठन खड़ा किया, और मेरे साथ आज ये हरकतें की जा रही है। आज मैं खुलकर बोलती हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है।